कि इस रोड नू पूरी तरह मजबूत बना के भी साढ़ा 6 करोड़ रुपया जरा है इस रोड के विचों बच। सो असी इन्हां रोड्स नू मजबूती नाल बना रहे हैं, असी डिवेलपमेंट वास्ते आए हैं। ये जड़ियां गल्लां ने इन्हां च साढ़ा कोई विश्वास नहीं है। सियासत ते असी कोई सियासत नहीं करते। बाकी जगह की लोड़ सी, तुसी आ जगह उद्घाटन किया है, दूजा उधर कराली साहब का किन्ने क लागत नाल तैयार हो ते की प्रोजेक्ट है? देखो जे टोटल असी देखिए ते इन्हां दोनों रोड्स की जड़ी आ वो लागत कोई 36 करोड़ रुपया सी। वो जड़ी रोड है अकबर हाल वाली वो तो असं शुरू की, अज ये थोड़ी बन के तैयार भी हो गई है, थोड़ी जी रह गई है। ये वास्ते असी 25 करोड़ 47 लाख रुपया जरा दिता सी, और साढ़े वास्ते बड़ी खुशी की गल आ कि इस रोड नू पूरी तरह मजबूत बना के भी साढ़ा 6 करोड़ रुपया जरा है इस रोड के विचों बच गया। 19 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत के नाल गुला चिका रोड जी तैयार हुई है। थोड़ा जहा पोर्शन रह गया, मैं अपने MLA साहब ते मंत्री साहब नाल आ रहा सीगा ते मैं उसे रोड तो लंघ के आया, मैं क्या ये उत्ते एज मार्किंग क्यों नहीं की अजे, मतलब साइडां ते विचकार सेंट्रल लाइन ते, वो मैनू दस्या गया कि अजे ये उत्ते एक लेयर होर पैनी, PC पैनी अजे, जबकि मैनू लग रहा सीगा कि रोड बहुत मजबूत आ, शायद कमी रह गई होगी एज मार्किंग करन दी। सो इस गल दी होर भी खुशी होई कि अजे एक लेयर भी होर पैनी आ, ऑलरेडी सड़क जिहड़ी आ मजबूत बन चुकी है। सो ये सारा ही जेड़े साढ़े MLA साहब ने, साढ़े मुख्यमंत्री साहब ने, उन्हां दी एक खास हदायत ने कि असी जेड़े भी जिन्हें भी महकमे ने पंजाब सरकार दे, असी इन्हां दे विच इमानदारी दे नाल काम करना है, मजबूती दे नाल काम करना है। और ये वो रोड्स नहीं आ जिहड़ियां कि पिछलियां सरकारां वेले बनदियां सीगियां और बनन तो बाद कुछ समय बाद ही जिहड़ियां उहदे विच टोए पै जांदे सीगे, टुट जांदियां सीगियां, पैचवर्क दे विच ही लगे रहिंदे हुंदे सीगे। सो असी इन्हां रोड्स नूं मजबूती नाल बना रहे हां, और इस रोड दे उत्ते जिहड़े कॉन्ट्रैक्टर ने, ठेकेदार ने, जिन्हां नूं इहदा कम्म दित्ता गया सीगा, उहनूं 5 साल उहदी मेंटेनेंस करन दा वी नाल ही उहदे ते जिम्मेवारी जिहड़ी आ उह पाई गई, क्योंकि अदरवाइज़ की हुंदा है कि जिहड़े ठेकेदार हुंदे ने उह अपना कम्म खत्म करके पैसे लै के ते चले जांदे ने, उस तो बाद उहदा कोई वाली वारस नहीं रहिंदा। सो असी नाल ही जिम्मेवारी फिक्स की है कि जे 5 साल इस रोड दे उत्ते कोई मुश्किल आई तो तुसीं इहनूं बनाओगे। सो इहदे नाल फायदा यह निकलिया कि ठेकेदार शुरू तो ही उन्हूं मजबूती दे नाल उन्होंने बनाना शुरू कर दिता, मजबूती दे नाल इहदा काम होना शुरू हो गया। बिजली विभाग की गल करिए, होर की खास लैके आ रहे बिजली नूं खास तौर ते, क्योंकि लोकां दी बड़ी डिमांड है, उसनूं लैके की होर डिवेलप? देखो बिजली दे खेत्र दे विच असीं इस वारी 15,325 मैगावाट बिजली जिहड़ी आ पंजाब दे लोकां नूं दित्ती आ, उहदे विच चाहे साडा एग्रीकल्चर फील्ड होवे, चाहे इंडस्ट्री होवे, चाहे डोमैसटिक होवे, कमर्शियल होवे, असीं किसी भी तरह के कोई कट जिहड़े आ उह नहीं लगाए। सो ये रिकॉर्ड सीगा बिजली का अज तक बिजली सप्लाई का। सो असी होर भी जड़े आ वो सोलर दे उत्ते समझौते कर रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी जड़ी आ वो मिले, क्योंकि थर्मल दे विच काफ़ी पोल्यूशन भी जड़ी आ हुंदी है। सो असी ग्रीन एनर्जी दे उत्ते ज़्यादा जोर दे रहे हैं, और जिथे नवें ग्रिड्स की लोड़ आ, नवें ग्रिड बनाए जा रहे हैं, जिथे कोई तारां बदलन की लोड़ आ, ट्रांसफार्मर की लोड़ आ, वो सारे जड़े आ मुहैया करवाए जा रहे हैं। मंत्री साहब मंजीठिया की गल की है, मंजीठिया पेन ड्राइव लैके घूम रहे हैं, की लगता कि सियासत की सिर्फ अज सिर्फ इहदी गल है? देखो कुछ नहीं है, तुहाने असी देखो साढ़े तो तुसी सड़कां बनवाओ, साढ़े तो तुसी बिजली लाओ, साढ़े तो तुसी स्कूल बनवाओ, साढ़े तो तुसी हॉस्पिटल बनवाओ, असी डिवेलपमेंट वास्ते आए हैं। ये जिहड़ियां गल्लां ने इन्हां च साडा कोई विश्वास नहीं, असी डिवेलपमेंट सियासत सियासत ते असी कोई सियासत नहीं करते, असी जो भी करते हैं जो भी साडा ते क्लीयर कट आ कि असी जिहड़े विकास वास्ते आए हैं और विकास के उत्ते जोर। केजरीवाल साहब बैठे के घर घर राशन की गल कर रहे, मतलब जिहड़े गरीब घर? हाँ जी, उन्होंने देखो कल इत्थे हुशियारपुर के आए सीगे, और असी घर घर राशन जिहड़ा वह मुहैया करवावे, इस तो इलावा 40-42 तरह दियां सर्विसिज ने वो भी असी घर घर पहुँचा रहे हैं, क्योंकि घरों ही लोगों बड़ा मुश्किल हों टाइम जड़ा आ वो कट के दफ्तर के जाना। सो असी कोशिश कर रहे हैं कि कोई यहोजा नंबर जारी किया जाए, लोग उत्ते नंबर से डायल करके जो भी काम उन्होंने हैगा साडे अधिकारी कर्मचारी जो सवाल है, विरोधी चीकां बड़े मार रहे, काम आम आदमी पार्टी कर रही है, खड़े गोला चीकां के।